नमस्कार मित्रों, श्री मंदिर के दैनिक राशि भविष्य की वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत। मित्रों, सबसे पहले आपके इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि अगर आप कोई काम करने जाते हो उसमें सफलता नहीं मिलती तो उसके लिए क्या योग होते हैं। वैसे ही योग में से आज एक मैं योग आपको यहाँ पर दिखाने जा रहा हूँ। तो पहले आपको मैं पत्रिका दिखाता हूँ। ये पत्रिका है, यहाँ पर आप देख रहे हो, ये जो स्थान है 8 नंबर जहाँ पर लिखा हुआ है, ये जो है वो लाभ स्थान बोलते हैं, जिसको हम लोग सफलता का स्थान भी बोलते हैं, यश कीर्ति सम्मान का स्थान बोलते हैं। यहाँ पर शनि महाराज व्यक्ति के पत्रिका में उपस्थित थे। शनि उनके लग्न का यानी पत्रिका के प्रथम स्थान का मालिक है, तो इसकी वजह से इनको कोई भी कार्य में सफलता बहुत ही अच्छी तरह से मिलनी चाहिए। लेकिन परिस्थिति यहाँ पर नेगेटिव ये हो गई कि ये जो उनका 8 नंबर जो लिखा हुआ है, लाभ स्थान जिसको बोलते हैं, यश सफलता का स्थान है, 8 नंबर दृष्टि जाती है और उसका मालिक मंगल, आप यहाँ पर देख रहे हो कि उनकी पत्रिका में राहु के साथ में बैठा हुआ है और वो भी सुख स्थान में बैठा हुआ है, जिसकी वजह से ये व्यक्ति बहुत सारी स्ट्रगल कर रही है, बहुत सारी मेहनत कर रही है, लेकिन इनको किसी भी अपने प्रयास में सफलता नहीं मिलती, और अगर मिलती भी है तो इतनी देरी से मिलती है कि उनका जो वो काम है वो काम में से इंटरेस्ट जो होता है वो निकल जाता है। ये इनको मैंने राहु मंगल का अंगारक हो गए, उसके लिए गणपति जी से संबंधित मैंने उनको रेमेडी बताई थी, गणपति जी से संबंधित उपाय दिए थे, वो उपाय करने से के जीवन में धीरे धीरे अभी कहीं ना कहीं पर राहत आ रही है। वो जो प्रयास कर रहे हैं उसमें एकदम तो उनको सफलता नहीं मिल रही, लेकिन पहले जो कोई भी सफलता नहीं मिलती थी उसके कंपेरिजन में धीरे धीरे अभी उनको अपने कार्य में सफलता मिल रही है, उनके भाग्य का सपोर्ट उनको मिल रहा है। तो ऐसे अगर आपकी पत्रिका में भी कोई ऐसे योग बन रहे हैं जिसके कारण आपको आपके किए गए कार्य में सफलता नहीं मिलती है, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर जो आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है उसके ऊपर आप अपनी जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म स्थान हमें मैसेज कीजिए। साथ में आपका जो भी प्रश्न होगा वो भी आप मैसेज कर सकते हैं। उसके बाद में उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे आपकी पत्रिका में क्या योग है और क्या उपाय करने से आपको भी अपने कार्य में सफलता मिलनी चालू हो सकती है। आइए आज के दैनिक राशि भविष्य के वीडियो में जानते हैं। दिनांक 4 अगस्त 2021 बुधवार का दिन किस राशि को कैसा जाएगा। दैनिक राशि भविष्य की जानकारी शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि को आज कार्य क्षेत्र में आज का दिन बहुत ही सतर्कता से काम करने की जरूरत महसूस होगी। हो सकता है तब तक किसी भी विवाद भरी परिस्थिति निर्माण ना हो, के लिए आपको अपना मानसिक संतुलन बहुत मजबूत करके चलना पड़ेगा। पारिवारिक जीवन में किसी महत्वपूर्ण निर्णय लेने में आपके जीवन साथी का सहयोग और उनकी राय जरूर से लें, जो आपके निर्णय में सफलता दिलाएगा। स्वास्थ्य में कमर का दर्द या तो कमर में नसों की जकड़न महसूस होने की संभावना रहती है, थोड़ी सतर्कता बरतिएगा। चलते हैं वृषभ राशि वालों की ओर। वृषभ राशि वालों को कार्य क्षेत्र में आज के दिन में कामकाज में काफी अच्छी बढ़ोतरी मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। कोई बड़े प्रोजेक्ट या तो बड़े सौदे का मिलने की संभावनाएं भी बन रही है, उसके सहयोग भी बन रहे हैं, जिसके कारण आपके आने वाले दिनों में आपका कार्य क्षेत्र है वो आपको बहुत ही फायदे में होता हुआ नजर आएगा। पारिवारिक जीवन या गृहस्थी जीवन में हो सके तब तक अपनी भाषा की मर्यादा का उल्लंघन ना करें, अन्यथा पारिवारिक माहौल आपका गर्मा सकता है। सेहत बाहर के खाने पीने में आज आपको बहुत ही सतर्कता बरतनी पड़ेगी। हो सके तब तक वो बाहर के खाने पीने के पदार्थों का आज सेवन ना करें या तो उनका परहेज करें, अन्यथा कब्ज या पेट की विकार होने की संभावना बनती है। चलते हैं मिथुन राशि वालों की ओर। मिथुन राशि वालों को आज कामकाज में तेजी आने के बहुत ही अच्छे संयोग बन रहे हैं, लेकिन उसके कारण आपको प्रतिस्पर्धा का यानी कॉम्पिटिशन का भी उतना ही सामना करना पड़ेगा। किसी भी प्रकार की व्यावसायिक प्रॉपर्टी या इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आपको कुछ सोच विचार कर रहे हो तो उसका आज अमल करने के लिए आपका दिन बहुत ही अच्छा है, उसके संयोग काफी अच्छे बन रहे हैं। पारिवारिक जीवन सुख शांति बना रहेगा। ज्यादा थकावट महसूस होने की संभावनाएं बनती हैं। हो सके तब तक ज्यादा वायु प्रकोप पैदा करने वाले जो पदार्थ होते हैं उसका सेवन आज कम करें या तो वैसे पदार्थों से आप परहेज करें। चलते हैं कर्क राशि वालों की ओर। कर्क राशि वालों को आज अपनी कार्यशैली में बदलाव लाने की जरूरत महसूस होगी।
और वो वैसा बदलाव आप लाएंगे तो आपके आने वाले दिनों में आपके कार्य क्षेत्र में ये बहुत ही आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। पारिवारिक जीवन में किसी भी प्रकार की गलत फहमियों के कारण ग्रह क्लेश होने की संभावनाएं बनती हैं, थोड़ी सतर्कता बरती है। स्वास्थ्य में दिन के उत्तरार्ध में यानी दोपहर के बाद में आपको कंधों के दर्द से या तो कमर के दर्द से शिकायत होने की संभावनाएं बनती हैं, थोड़ी सावधानी बरतनी जरूरी है। चलते हैं सिंह राशि वालों की ओर। सिंह राशि वालों को आज के दिन कार्य क्षेत्र में वित्तीय लेन देन में बहुत ही सतर्कता बरतनी पड़ेगी, अन्यथा ऐसा भी हो सकता है कि आपका व्यावसायिक नुकसान ना हो, इसलिए आपको खुद को अपनी जेब से यानी अपनी बचत से पैसे निकालकर व्यवसाय में डालने पड़े और ये परिस्थिति आपको मानसिक व्यग्रता में महसूस करवा सकती है। वैवाहिक जीवन में गृहस्थी जीवन में आपके जीवन साथी के साथ में क्लेश होने की संभावनाएं बनती हैं, इसलिए परिस्थिति को अगर आपको नियंत्रण में रखना है तो आपके गुस्से के ऊपर आज आपको संयम रखना पड़ेगा। सेल्स में मानसिक तनाव की वजह से हाइपर टेंशन या तो माइग्रेन की समस्या से जो लोग पीड़ित हैं उनको आज परेशानी बढ़ने की संभावनाएं बनती हैं, सावधान बरतनी आवश्यक है। चलते हैं कन्या राशि वालों की ओर। कन्या राशि वालों को कार्य क्षेत्र में आज आपको अपनी लक्ष्य पूर्ति हेतु सहकर्मियों का या आपके वरिष्ठ अधिकारियों का आपको सहयोग मिल सकता है। पारिवारिक जीवन में कुछ खास उतार चढ़ाव नहीं दिख रहे हैं, पारिवारिक जीवन सामान्य रहेगा। स्वास्थ्य आज आपका सामान्यतः उत्तम रहने की संभावना बनती है। चलते हैं तुला राशि वालों की ओर। तुला राशि वालों को कार्य क्षेत्र में आज काम सुचारू रूप से चलने की संभावनाएं बनती हैं। कोई महत्वपूर्ण कार्य क्षेत्र में कोई महत्वपूर्ण घटना होने के आसार नहीं दिख रहे हैं। पारिवारिक जीवन में जीवन साथी के साथ में या तो परिवार के किसी भी सदस्य के साथ में आज कठोर भाषा का उपयोग ना करें। कठोर भाषा का उपयोग करने से आपका पारिवारिक माहौल या तो आपका वैवाहिक जीवन जो है उसमें कहीं ना कहीं पर अशांति होने की संभावनाएं बनती है। सेहत की दृष्टि से आज ज्यादा समय तक भूखे ना रहे, अन्यथा आपको एसिडिटी यानी अम्ल पित्त के प्रकोप से ग्रस्त होना पड़ सकता है और आपको वो कहीं ना कहीं पर पूरे दिन परेशानी भी महसूस करवाए। चलते हैं वृश्चिक राशि वालों की ओर। वृश्चिक राशि वालों को कार्य क्षेत्र में आज किसी लंबे समय से कोई डील की या तो कोई सौदे की बात चल रही है तो वो साकार होते हुए नजर आएगी, जिससे आपको आप काफी अच्छा फायदा तो होगा ही, लेकिन आपकी जो व्यवसायिक आपका नाम है व्यवसायिक कार्य क्षेत्र में आपका जो नाम है वो बढ़ने की संभावनाएं बनती है। पारिवारिक जीवन में मनोरंजन संबंधित गतिविधियां चलती रहेगी जिससे माहौल खुशनुमा बना रहेगा। स्वास्थ्य भी ज्यादातर आज आपका अच्छा रहने की संभावना बनती है। चलते हैं धनुराशि वालों की ओर। धनुराशि वालों को आज के दिन कार्य क्षेत्र में काफी फायदेमंद रहने की संभावना बनती है, खास करके जिनका कपड़ों का व्यापार है उनको आज का दिन बहुत ही अच्छा फायदा लेकर जाएगा। पारिवारिक जीवन में आपसी मेल जोल काफी अच्छा बना रहेगा, जिससे पारिवारिक माहौल भी बहुत ही सहयोगी महसूस होगा। सेहत में नस या नाड़ी से संबंधित किसी भी प्रकार की तकलीफ अगर होती है तो उसके प्रति लापरवाह ना रहे, तुरंत ही डॉक्टर की सलाह लें, अन्यथा ये परेशानी आपको लंबे समय तक पीड़ा या दर्द देने की संभावना बनती है। चलते हैं मकर राशि वालों की ओर। मकर राशि वालों को जो लोग एडवर्टाइजमेंट यानी विज्ञापन से संबंधित किसी भी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, वो फिर व्यापारी हो या फिर कमीशन एजेंट हो या फिर नौकरी पेशा लोग हो, उनको आज के दिन विज्ञापन आधारित बिक्री बढ़ते हुए दिखाई दे रही है और इससे आज का दिन आपको वित्तीय फायदे वाला दिखेगा। पारिवारिक जीवन में किसी भी परिस्थिति को लेकर अपनी तीखी प्रतिक्रिया ना दे, अन्यथा पारिवारिक माहौल अशांत होने की संभावनाएं बनती है। सेहत में शारीरिक थकान या कमजोरी लगने की संभावनाएं बनती है, अन्यथा कोई दूसरी कोई महत्वपूर्ण चिंताजनक बात होते हुए दिखाई नहीं देती। चलते हैं कुंभ राशि वालों की ओर। कुंभ राशि वालों को कार्य क्षेत्र में आज रोजाना कामकाज में उलझने बढ़ने की संभावनाएं बनती है, ऐसा प्रतीत होगा कि परेशानी एक के बाद एक आपके सामने किसी न किसी प्रकार के आकर खड़ी दे रही है और उसके कारण आपको मानसिक व्यग्रता भी महसूस होने की संभावनाएं बनेगी। वित्तीय लेन देन में आज किसी भी प्रकार का जोखिम ना उठाएं, अन्यथा आपके लिए वो नुकसानदायक रहेगा। पारिवारिक जीवन में किसी भी प्रकार की बहस या तो विवाद से आज आपको दूर रहने की सलाह दी जाती है, सेहत सामान्य ठीक ठाक रहेगी। चलते हैं मीन राशि वालों की ओर। मीन राशि वालों को आज व्यावसायिक क्षेत्र में ग्राहकों की चहल पहल बढ़ते हुए दिखाई देगी, जिससे बिक्री भी आपकी अच्छी होने की संभावनाएं बनती हैं।
आपकी जो मेहनत है उसमें आज आपको आपका भाग्य का पूरा साथ मिलते धक्का मिलते हुए दिखाई दे रहा है। पारिवारिक जीवन में मधुरता बढ़ती हुई नजर आएगी। सेहत में त्वचा संबंधित एलर्जी या तो त्वचा संबंधित रोग होने की संभावनाएं बनती हैं, हो सके तब तक सतर्कता बरतिएगा। तो मित्रों ये थी दिनांक 4 अगस्त 2021 बुधवार के दिन की दैनिक जागरण भविष्य की जानकारी। ज्यादा जानकारी के लिए आप श्री मंदिर ऐप डाउनलोड कीजिए या फिर हमारे श्री मंदिर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही दैनिक राशि भविष्य की जानकारी के साथ मैं आपके सामने उपस्थित रहूंगा कल इसी समय। तब तक के लिए ईश्वर के चरणों में प्रार्थना करते हुए कि आपका और आपके परिवार का जीवन सेहतमंद रहे, मंगलमय हुआ, मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।